दिल्ली के रामलीला मैदान जहां पर INDIA गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। तेजस्वी यादव को सुनिए। सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना, आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। देश में सत्ता में जो लोग बैठे हैं तानाशाह रवैया अपनाने का काम कर रहे हैं, घमंडी हो गए लोग। और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे, लेकिन जो आंख से देख रहे हो गए लो और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आ रहे लेकिन जो आंख से देख रहे हैं वो बताने आ रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आए हैं। सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करें। आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है। आज यहाँ लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते, बताओ कितने नौजवान यहाँ जो हैं मोदी जी ने नौकरी दिया, हाथ उठा के बताइए। कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नौकरी नहीं दी, सब कुछ जो है प्राइवेटाइज कर दिया। और हम लोगों ने बिहार में जब कांग्रेस लेफ्ट इंडिया अलायंस की सरकार थी, 17 महीने में 5 लाख नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। आज किसान तबाह है, युवा परेशान है, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है। मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे। अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते थे पिछले चुनाव में, इस बार बिल गेट्स को बुला करके इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं। लेकिन किसानों की समस्या कैसे हल होगी ये नहीं बता रहे। किसानों से उन्होंने पिछले चुनाव में वादा किया था कि उनका आय दुगुना करेंगे, आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है जो हमारे अन्नदाता है। इसलिए आप सब लोग, जब लोग हम लोग जब आवाज उठाते हैं तब तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की, उस पार्टी का सेल में कौन है? ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। लालू जी को तो कई बार सताया गया, मेरे ऊपर मुकदमा किया गया, मेरी माँ पर, मेरी बहनों पर, मेरे जीजाओं पर, मेरे पिता के जितने संबंधी थे सब पर केस मुकदमा किया। अभी बिहार चले जाइए, कई हमारे नेताओं पे छापेमारी चल रही है, कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है। लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदर भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर हैं, आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, कितने लोगों को जेल भेजोगे, लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग